कीजिए हमारा इस्तेमाल। क्या करिए सुगनी, हाथ छोड़। पैसे वसूल कीजिए सुगनी, हाथ छोड़। आपने 20 लाख देकर खरीदा है, मैं वाला हाथ सुगनी, हाथ छोड़। आज मैं इस सरडकाई के रिश्ते को ही खत्म कर देता हूं। उस मोड़ी को अकेला छोड़कर क्यों आए हो? माँ, आप सोई नहीं अब तक? कैसे नींद आती हमें आदि? आज इस माँ के लिए एक खुशी का मौका जो है, आज अपनी औलाद में हमने अपने पति की छवि देख ली है। एक नाचने वाली को तुमने अपनी जिंदगी में जगह दे दी है आदि। आदि, हम अब तक ये नहीं समझ पा रहे कल तक हमारी जो औलाद सर ढकाई से इतनी नफरत करती थी, आज अचानक बदल कैसे गई। खैर, हमने तो तुम्हें अपने ना सोने की वजह बता दी, पर तुम्हारे पास तो कोई वजह भी नहीं। तुमने तो अपने मन का कर लिया है। माँ, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? किसी और का दिल रखने के लिए तुमने अपनी माँ का दिल तोड़ते वक्त एक बार भी नहीं सोचा? अरे, जिस पाप से हमने तुम्हें इतने सालों से बचाए रखा, तुमने वही पाप कर दिखाया। तुम्हारी इस हरकत से हमारे दिल पर क्या गुजरी है, तुम्हें क्या इस बात का अंदाजा भी है? मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है माँ, बस इतना कह सकता हूं कि मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं वादा करता हूं सब ठीक हो जाएगा। आदि, कैसे ठीक होगा सब? हमारे बारे में ना से कम अमृता के बारे में तो सोचा होता। उसे कैसे समझाओगे कि ये सब कुछ जो उसके सामने हो रहा है ये एक भ्रम है? शांत हो जा माँ, मैं तुझसे वादा करता हूं जल्दी सब ठीक कर दूंगा। और वो ये अच्छी तरह से जानता है कि तुम हमारा प्यार
और हमारे प्यार के बीच में कभी भी नहीं आएगा सुकने। माहिर, सुकने, सुकने, सपना तो था, लेकिन जी सच भी तो हो सकता है। छोटे ठाकुर मालक ने हमें वचन तो दिया, हम जानते हैं वो जान के वचन ना तोड़ेंगे, लेकिन अगर विक्रम ठाकुर ने कोई छल किया तो, अगर मजबूर कर दिया छोटे ठाकुर मालक को कि वो सुकनी से कहीं दूर चले जाए तो क्या होगा मैं मोड़ी का? ना ना, कैसे रहेगी हमारी सुकनी अकेले उतने उस आदमी के साथ? हमारे बगैर कभी ना रही है, हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ तो करना होगा। लगता है रात भर झपकी भी नहीं लेनी थी हमारे आदित्य ने तुम। ओहो, मजाक कर रहे हैं बाबा, इतना तो हक बनता है ना हमारा तुम पर। वैसे सच कहें, हम बहुत खुश हैं कि तुम यहां पर आ गई। अच्छा, तुम्हें याद है ना, तुम आदित्य की दुल्हन होने से पहले हमारी दोस्त हो। ठीक है, तो दोस्त होने के नाते तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, करोगी? ठीक है, तो फिर जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ, हमें बढ़िया सा कुछ तैयार करना है और उसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। परंपरा के मुताबिक अभी ये मौड़ी इस हवेली के अंदर नहीं आ सकती। ठाकुरायन देवी, हम परंपरा के अनुसार हमें इतने रहना है। अरे बाबा, परंपरा हवेली में ना रहने की है ना, हम तुम्हें रसोई में रहने थोड़ी ना बुला रहे हैं। हवेली में आ जा तो सकती ही हो तुम। हाँ, लेकिन ठाकुरानी देवी, फिर दोस्त हो तो दोस्त की मदद करो, फटाफट से तैयार होकर रसोई में आ जाओ, और अगर नहीं आई तो हम खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। और एक और बात, ठकुराइन देवी क्या है? हमारा नाम रीवा है, तुम हमें रीवा ही कहोगे, हमें अच्छा लगेगा। कितने साफ दिल की हैं जी, सीता मैया की कृपा रहे कि जे दिल हमसे कभी ना टूटे। अच्छा अरे बाबा, इतना मत सोचो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ रसोई में, हम इंतजार करेंगे। रुको, यहां क्या कर रही हो तुम? जी वो हमें रीवा ठाकुराई ने इतने बुलाया कछु काम से। तो यहां से क्यों आई हो? ये दरवाजा इज्जतदार लोगों के आने जाने के लिए है और नौकरों के लिए पीछे दूसरा दरवाजा है। ये क्या कह रही हैं जी आप?
विक्रम तुम अंदर आओ, हमें दरवाजा बंद करना है। जी जी, आपने सुगनी को इस हवेली में रहने का अधिकार नहीं दिया, उसको घर के बाहर रखा। हमने आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं किया, लेकिन अब जो आप कर रही हैं वो उसका अपमान है और ये गलत है। गलत तो हमारे साथ हो रहा है विक्रम, हमने तो इसे सिर्फ दूसरे दरवाजे से आने के लिए कहा है। अगर इस हवेली पर हमारा पूरा अधिकार होता ना, तो हवाएं जहां तक इस हवेली की मट्टी को उड़ाकर ले जाती, वहां की धरती पर भी हम इसके पैर नहीं पड़ने देते। जैसा कि आपने कहा जीजी, अगर इस हवेली पे आपका पूरा अधिकार होता तो पीछे नहीं हट सकते। क्या बात है, बड़ा टाइम लगा दिया तैयार होने में। वैसे लग बड़ी प्यारी रही हो तुम। का काम था? हाँ देखो, वैसे तो हमेशा यहाँ पर महाराज खाना बनाता है, पर आज हमने खुद पकाने का फैसला किया है। हम चाहते हैं आज हम ऐसा खाना बनाएं कि साहिब बस खुश हो जाए, उन्हें याद रहे आज का खाना, और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। मालक को बैंगन नहीं पसंद। कोई बात नहीं, हम कुछ और बना लेते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, आज सारा खाना आपकी पसंद का ही बन रहा है, वो भी सुगनी के हाथों। अच्छा, ये सुनकर तो और भूख बढ़ गई हमारे। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि आदित्य तुमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि तुमने आदित्य की पसंद का तो कुछ बनाया ही नहीं है। वो घर पर नहीं है अभी, हमने अपने किसी काम से उसको भेजा है, वक्त लगेगा उसको आने में। वैसे तुम अगर चाहो तो आज का पूरा दिन हम लोगों के साथ बिता सकती हो यहाँ पर।
रही हो सुगनी? कहाँ जा रही हो? भगवान थोड़ी ना है सामान कि तब तपस्या करके प्रकट होंगे। अरे भैया नगद फेंकोगे ना तो सामान को भी हाथ पैर निकल आते हैं, हाँ जैसे अभी निकला है। भैया सामान फटाफट अंदर ले जा, आठ लोगों की नजर पड़ी ऐसा हमारे सामान को नजर लग जाएगी। भैया जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ये तो बहुत बड़ी कंपनी का लग है। अरे हमारे हमारे भोपू निकालोगे कान से? कछु सुनाई दे रहा है? का कर रही? सुनने देना हमारे को। अभी तो सुनने जरा। अरे ये तो फिर भी भारतीय लग रहा है ना? तुम चप्पर 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 चप्पर। सुनो ना, ये सब जो रसोई का सामान है ना, रसोई में रखवा देते हैं। अरे गदेड़ों की फौज। अरे बित्ते भर की रसोई में इतना सामान डालेंगे ना तो ऐसा लगेगा छोटे से बच्चे के मुंह में इतना बड़ा खरबूजा डाल दिए। अरे इसके अलग जगह बनानी पड़ेगी हमारे को। और हाँ, और जो टीवी है ना, ये इतने आएगा और पुराना वाला फेंक दे। अब सुखिया को दे दो ना। देखो इसी में कपड़े लटकाएंगे, वो भी शान से। किली ठोक दो दीवारों पे, सब चुल्लो अपनी अपनी दीवार। देखो भैया, अरे वाह वाह। अरे ना ना, हम देखे हैं ठाकुरों की हवेली, दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लटकाते हैं। एक काम करते हैं, एक अलमारी बना लेंगे, उसमें सब अपने अपने कपड़े लटका देंगे। हुआ, चलो ना बाहर, कच्चे दिखाना है। बेटा तुम जाओ, हम बाद में आते। चलो ना बुआ, इतनी सी बात ना मानोगे हमारी? अच्छा चलो। रुको रुको, हम पहले तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर चलना। अच्छा, कछु खास दिखाना। अरे पर बताओ तो कहाँ है? तुम चलो ना। चलो जेकी ना, इसने समझदारी वाली बात। अरे जिज्जी आई, जिज्जी बोल दो। हेलो रह गई ना आके फटी की फटी। सच कहते नाम कमाल है ना। हाँ टिंकल, सही कह रही। जे कमाल इस घर में देखेंगे जे कभी ना सोचा था। जीजी तुम खुद ही तो कभी खुश ना रहती। अरे दूसरों को तो रहने दिया कर, का करे पैर पड़ेगा हाथ जोड़े, का करे बता हमारे को। इतना नाराज का है वो? का की हम बताओ, का चोरी की डाका डाला, का किसी के लुकाई के साथ भाग गए हम? अरे खाली पीने का जहर उगल रही हो तुम तो। अरे सुगनी खुद अपने मर्जी से अपने पूरे परिवार का भला करके गई है। तू ही कहती थी ना कि छोटे ठाकुर मालिक के साथ वो सुरक्षित रहेगी, खुश रहेगी महल में, यही कहती थी ना तुम? अरे बोल ना, हाँ बोल। लो कछु बोल नहीं पा रही है। बात करती है